हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ इसमें कंप्लीट डिटेल से बता दूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी पीसीबी जो होती है, मान लो ये पीसीबी है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या आईई एरर कोड्स होता है, तो वो आपके जो प्रेशर स्विच होता है उसका होता है, और इसमें और भी बहुत सारे एरर कोड है। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक कर दूंगा, चेक करके बता दूंगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी इस पर नॉन नहीं होती है, फिर बॉस ऑन नहीं होती है, फिर आपका जो एरर कोड आते हैं वो क्यों आते हैं, प्लस इसमें डोर स्विच अगर काम नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डोर स्विच का जो होता है डी ई एरर कोड से होता है, या फिर अनबैलेंस आपकी मशीन होती है तो वहाँ पे जो यू बी अनबैलेंस के लिए आता है, अगर यू बी एयर कोड से होता है तो वहाँ पे अनबैलेंस के लिए आता है। तो ऐसे एयर कोड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और पी सी बी अगर काम नहीं करती तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं क्या है, मशीन को ऑन करता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप मशीन ऑन करेंगे तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर आना चाहिए। अगर पावर नहीं आती तो आपका जो है हो सकता है यहाँ से वायरिंग में दिक्कत। अभी आप देख रहे हैं ये लाइट बिलिंग हो रही है, यहाँ फिलहाल मैं ऑफ करता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है अगर आपकी मशीन जो है वहाँ पे ऑन नहीं हो रही है तो इस फ्यूज़ को चेक करेंगे। फ्यूज़ जो होता है वो 10 एम्पेयर का फ्यूज होता है, ये 220 वोल्ट पे मतलब ऑपरेट होता है, 10 एम्पेयर का होता है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे यहाँ पर अगर वायरिंग कट जाती है, या फिर जो आपका कनेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होती है, फिर बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, तो वहाँ पे वोल्टेज ठीक से नहीं जा पाते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे, सबसे पहले आपको इसको चेक करना है कि वायरिंग वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पीसीबी में सप्लाई नहीं हो जाती है तब ठीक है, तो यहाँ से वायरिंग चेक कर लेंगे सारी, क्योंकि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पीसीबी में वायरिंग आती है, उसके बाद जो है इसको आप ओपन करके और इसके जो वोल्टेज वगैरह हैं वो चेक कर लें। यहाँ पर वो मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके, फिलहाल मैंने ओपन कर रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 220 वोल्ट एसी आते हैं, यहाँ पर जो इसका एक लाइन है एक न्यूट्रल है, तो ये वाइट वाला है और ये ब्लैक वाला है। यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करेंगे, अगर वोल्टेज चेक कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे आउटपुट देता है यहाँ पर ठीक है, पीसीबी आउटपुट देती है। तो मीटर जो है आप, मैं आपको ऑन करके इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आउटपुट देती है जो इसकी पीसीबी होती है वो आउटपुट देती है या फिर नहीं। अगर आउटपुट नहीं देगी तो आपकी पीसीबी जो है वो काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको मीटर लेना है, मीटर जो है एसी बोर्ड पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 450 एसी वोल्ट है। उसके बाद मैं आपको जो इनपुट है पहले वो इनपुट चेक कराता हूँ, फिर इसकी आउटपुट, तो एक यहाँ पे लगाना है और दूसरी इस साइड लगाना है ठीक है। उसके बाद जो पीसीबी वो ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पीसीबी फिलहाल ऑन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो वोल्टेज है 249 एसी वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इनपुट सप्लाई जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक वायर होता है यहाँ पर जो आउटपुट चेक करे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट भी आ रही है, मतलब ये जो वायर है आपका वाइट वाला वायर है वो यहाँ से क्या है, पहले ये इनपुट होती है और फेस वाला जो वायर है आपका ब्लैक वाला वायर है, ये आप देख रहे हैं जो इस साइड है, जो ये वाला है रेड वाली, यहाँ पे नोक लगी है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, इनपुट सप्लाई आ रही है यहाँ तक, उसके बाद जो है मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो आउटपुट भी यहाँ पे सप्लाई जा रही है। तो यहाँ से आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि इनपुट आउटपुट सप्लाई जो हमारी इस पर आती है, इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, फिर इसके बाद जो पीसीबी होती है वो आउट करते हैं यहाँ पर। तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपका आउटपुट सप्लाई नहीं करती है पीसीबी तो वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है, तो आप पीसीबी को रिपेयर करें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे ऑन करके फिर इसके बाद सबसे पहले प्रेशर स्विच की वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है इनलेट वाल्व की वोल्टेज चेक करके दिखाऊँ और इसकी वर्किंग, प्लस आपको जो वर्किंग है वो भी बताऊँगा। उसके बाद अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या दिक्कत आती है, सब चीज़ आपकी स्टेप बाई स्टेप चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या, इसको हमने ऑन कर दिया, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, तो आपको देखेंगे कि आपको जो है मोटर चलते हुए नजर आएगी। इसका पल्सीडर देख रहे हैं आप चल रहा है। उसके बाद मैं क्या है, आपको सबसे पहले इनलेट बॉल का दिखाता हूँ। इसका जो है इनलेट बॉल होता है ये, यहाँ पे क्या है 220 एसी वोल्ट पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मीटर लेना है, मीटर को एसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये दोनों नोक पे आपको इस साइड लगाना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगानी है। अगर यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगी तो आपका जाहिर सी बात है इनलाइट वॉल काम नहीं करेगा। तो क्या है, आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है दोनों नोक, और यहाँ पे आप देखेंगे 245 240 तरीके से एसी वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका जो पीसीबी है यहाँ तक सप्लाई आउट कर रही है। तो यहाँ तक है हमारे एसी वोल्ट आ रहे हैं। अगर एसी वोल्ट यहाँ तक आते हैं तो आपका जो इनलाइट वॉल होता है उसमें कोई दिक्कत होती है, जैसे कि आपका फिल्टर है, अगर आपका पानी अंदर नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है जो आप देख रहे हैं, मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। अगर फिल्टर बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो पानी इसके अंदर नहीं जाता, या फिर बहुत ज़्यादा स्लोली पानी जाता है तो क्या होता है, आपका फिल्टर जो होता है बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो आप इसको नो प्लस से निकाल के उसके बाद नीड एंड क्लीन करके दोबारा इसमें फिट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है कि आपका इनलेट वॉल्व जो है फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोटर लगी होती है वो ख़राब हो जाती है,
तब ये काम नहीं करता। अच्छा एक चीज़ और आप क्लियर कर दूँ कि इनलेट बॉल जो होता है कभी कभी मशीन चलती है तो वहाँ पे स्लोली स्लोली पानी आता है, मतलब बहुत ज़्यादा धीमे धीमे पानी गिरता है और पानी जो है काफ़ी टाइम ले जाती है उस समय वॉशिंग मशीन आपकी जो है प्रोग्राम एक ऑपरेट होने में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा स्लो गिरता है तो प्रेशर जो होता है वाटर लेवल को सेंस कर रहा है तभी ये प्रोग्राम पूरा ऑपरेट होगा। तो आप इसके चारों स्क्रू जो होते हैं ओपन करके उसके बाद क्या होता है ये इनलेट बॉल ओपन करके उसके बाद इसकी में एक कॉयल होती है वो निकाल के उसके बाद आप जो डस्ट होती है उसको साफ़ कर दें, इसके अंदर एक पोस्ट भी होता है वो भी आप साफ़ कर दें। इस पर भी मैं एक वीडियो आपको प्रैक्टिकली बनाऊंगा कि आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर पानी स्लो जाता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। फिलहाल आप इसको ओपन करके अगर हम चाहें पानी स्लोली जा रहा है तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गंदगी चली जाती है मोटर में मैग्नेट में और इसका जो वार्सल होता है एक बस होता है रॉड का उसमें भी चली जाती है, तो इसको आप साफ़ करके दोबारा लगाएंगे उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो इनलेट बॉल अगर कभी कभी ऐसा होता है इनलेट बॉल जो होता है आपका ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे कंटिन्यू आपका मशीन में पानी आ रहा है, मशीन में पानी कंटिन्यू आ रहा है तो इससे क्या होता है इसमें जो होता है इनलेट वाल्व आपका ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपकी मशीन ऑफ है उस कंडीशन में पानी इसमें मशीन में अंदर जाता है कंटिन्यू जाता है तो इनलेट वाल्व ख़राब है। कुछ नहीं करना आपको इनलेट वाल्व रिप्लेस कर देना, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आपकी पीसीबी जो है पीसीबी दिक्कत दे जाती है, जैसे कि वायर अगर शॉर्ट हो जा रहा है, वायर अगर आपका वायरिंग कहीं से शॉर्ट है या वायरिंग कहीं से टच है या वायरिंग कहीं से आपस में अटैच हो गई है तो वहाँ से क्या होता है इनलेट बॉल कंटिन्यू चलता है, आप कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट करेंगे फिर भी आपका जो है इनलेट बॉल चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे वायरिंग को भी चेक कर लेंगे और अगर ऑफ पे भी मतलब आपकी मशीन ऑफ है उसमें पानी जा रहा है तो आप इनलेट बॉल को रिप्लेस कर दो। यहाँ तक क्लियर हुआ है इनलेट बॉल की जो चेकिंग है रिपेयरिंग है वो मैंने आपको ज़्यादातर बताई दी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं प्रेशर स्विच की, प्रेशर स्विच आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर प्रेशर स्विच आपका ख़राब होगा तो वहाँ पे मशीन एरर देगी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर यहाँ पर इनलेट वाल्व भी ख़राब होता है तब भी वहाँ पे एरर कोड शो होता है, वो आपको डिस्प्ले देख रहे हैं इस तरीके का एरर कोड शो होता है। तो यहाँ पे क्या है अगर एरर कोड शो होता है तो आप इनलेट वाल्व का समझ जाएंगे कि हाँ सैमसंग वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पे एरर कोड शो हो रहा है इनलेट वाल्व का, तो जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये एरर कोड शो होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो प्रेशर स्विच होता है, अगर प्रेशर स्विच जो एरर कोड शो होता है जैसे कि IE एयर कोड्स होता है प्रेशर स्विच का और LG की वॉशिंग मशीन होती है तो वहाँ पे PE एयर कोड्स होता है, तो आपका जो प्रेशर स्विच होता है उसके कैसे वोल्टेज चेक करेंगे कि PCB सप्लाई ऑट कर रही है वोल्टेज या फिर नहीं। तो एक नोब जो है आप बीच में रखेंगे, उससे पहले आपको मीटर लेना है, मीटर जो है DC वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। तो आप मैंने किया यहाँ पे 600 DC वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, पहले मशीन जो होती है चाहे आपकी नॉन इन्वर्टर हो फिर इन्वर्टर मॉडल हो, ये जो मशीन होती है चाहे आपकी फ्रंट लोड हो या फिर टॉप लोड हो सब में सेम वर्किंग होती है, सेम इसमें मतलब वर्क होता है सेम, वही आप उसको भी चेक कर सकते हैं चाहे आपकी फ्रंट लोड हो या फिर टॉप लोड हो, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है आपकी मशीन चाहे इन्वर्टर मॉडल हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो ये जो प्रेशर स्विच होता है 5 DC वोल्ट पर वर्क करता है। तो इसका जो कनेक्टर होता है तो इसको पहले वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मीटर लेना है, मीटर को डीसी वोल्ट पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक नो बीच में रखना है एक साइड से रखना है। उससे पहले क्या है मैं आपको मशीन ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है पहले मैं मशीन ऑन करता हूँ, उसके बाद जो है इसके वोल्टेज नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या है मैंने मशीन जो है ऑन कर लेनी है और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट हो गई मशीन और ये ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या है अच्छा एक चीज़ और है, ये अभी फ़िलहाल रन करेगी उसके बाद जो है एरर भी दे देगी। तो इसमें इस तरीके से आपको बीच में एक बीच में रखना है नोब और एक साइड से रखना है इस तरीके से, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड से एक बीच में। तो यहाँ पे क्या है 2.5 डीसी वोल्ट सो होना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वोल्ट सो रहे हैं तकरीबन, तो एकदम ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरी साइड रखेंगे तब भी वहाँ पे ऐसे वोल्ट सो होना चाहिए, तो एक बीच में रखना है एक साइड से। तो इस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं और इसका जो कनेक्टर होता है आप देख रहे हैं मैंने दूसरी साइड रखे हैं तो उसके भी 2 वोल्टेज यहाँ पर सो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज को, बाकी इसका जो कनेक्टर होता है इन साइडों में वोल्टेज नहीं आते। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो एरर कोड होता है मैं एरर कोड भी दिखाता हूँ आपको प्रेशर स्विच का। तो यहाँ पे देख रहे हैं IE एरर कोड शो हो रहा है, तो यहाँ पर IE एरर कोड शो होता है तो वहाँ पे जो होता है जिसका जो प्रेशर स्विच होता है वो वाटर लेवल को सेंस नहीं कर रहा है तभी ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो है इसका प्रेशर स्विच की जो सप्लाई है आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, अगर PCB सप्लाई ऑट करती है तो यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। उसके बाद भी अगर ये प्रेशर स्विच काम नहीं करता है तो हो सकता है इसके जैक में कार्बन हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कार्बन होता है, या फिर इसके जो यहाँ पे हम जैक अटैच करते हैं अगर इस पे कार्बन होता है तब भी ये दिक्कत आएगी। तो आप इसको अगर कार्बन नहीं है तो आप इसको रिप्लेस कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आपका जो मतलब
पाइप कट जाता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं पाइप, ये पाइप कट जाता है तब भी यहाँ पे क्या है ओवरफ्लो होगा पानी। जैसे कि आपका अगर इनलेट वॉल ख़राब होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर इनलेट वॉल मशीन ऑफ है उस कंडीशन में अगर पानी आता है, मतलब कंटिन्यू पानी ले रही है मशीन ऑफ है, तो आपका इनलेट वॉल ख़राब है। अगर मशीन आपकी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अगर यहाँ से पाइप कट होता है तब भी ये ओवरफ्लो लेता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा हो जाता है। या फिर इसमें जो है ड्रम जो होता है, ड्रम की नोक में ये पाइप अटैच होता है, अगर पाइप में बहुत ज़्यादा गंदगी होती तब भी ये दिक्कत आती है कि प्रोग्राम आपका रिस्टार्ट होता है, या फिर प्रोग्राम जो होता है ऑपरेट ठीक से नहीं होता, बार बार रिस्टार्ट हो जाता है। तो आप इसकी गंदगी भी साफ़ कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। आप चाहे नोज़ल ले लें और ऐसे डाल के इसमें पाइप में ही ऐसे डाल के कनेक्ट करके मतलब डाल सकते हैं, 10-12 आप नोज़ल डाल दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि अगर आपका प्रेशर कुछ ख़राब होता है तो वहाँ पर आई ई एयर कोट्स होता है सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इसे मैं कनेक्टर को लगा के उसके बाद बात करते हैं डोर स्विच की। अगर डोर स्विच ख़राब होगा तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मीटर लेना है। मीटर को क्या है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है, इन दोनों नोक को इस साइड रखना है। अगर इसमें कार्बन होगा था तब भी काम नहीं करता है, तो यहाँ पे जो है मीटर जो है आपका अलार्म बोलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म बोल रहा है, तो इस कंडीशन में आपका जो डोर स्विच है वो ओके है। अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आता है तो आपका डोर स्विच ख़राब है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो वहाँ पे अलार्म का साउंड नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ और लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले इसको हम हटाते हैं, उसके बाद ये वाला जो डोर है इसको हमने ऑन कर दिया है। एक सेकेंड मैं मीटर यहाँ रखता हूँ, उसके बाद जो है ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये दोनों नोब इस तरीके से रखेंगे तो वहाँ पे डोर स्विच जो है मतलब अलार्म नहीं आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म नहीं आ रहा है, तो एकदम ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो डोर स्विच होगा वो इस तरीके से लगाना है, उसके बाद बंद करना है, उसके बाद यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको इन दोनों नोबों पर। तो यहाँ पर क्या है, अच्छे से लगाना है, उसके बाद जो है अलार्म का साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पहले डोर को हम पूरा प्रॉपर बंद करें, क्योंकि यहाँ पे क्या अभी ये बंद नहीं हुआ, इसी वजह से अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। तो अब मैं दिखाता हूँ दोबारा फिर से। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से लगाना है और वहाँ पे अलार्म का साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। लगाएं ठीक से, आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लगाएँ और उसके बाद जो है अलार्म का साउंड आना, आप देख रहे हैं अलार्म आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो डोर स्विच है वो ठीक है। अब बात करते हैं अगर डोर स्विच में यहाँ तक ठीक है सब कुछ, इसकी वायरिंग भी चेक कर सकते हैं, जो आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा वो आप जाके देख लें जरूर। अगर इसकी पत्ती में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है या फिर इसकी पत्ती जो होती है वो टूट जाती है, तब वहाँ पर क्या होता है अलार्म मतलब ये काम नहीं करता है। इसमें जो होता है कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, अगर मीटर आप क्वांटिटी की रेंज पर सेट करेंगे उसके बाद भी क्या होगा, यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्रीन ग्रीन टाइप का इस पत्ती के अंदर कार्बन इकट्ठा हो जाता है। तो आप इसको देख लें, खोल के भी देख सकते हैं, एक वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वीडियो ज़रूर देख लें आप जाके। ये जो होता है आप अच्छे से फिर चेक कर सकते हैं कि इसमें रिपेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खोल के इसको साफ़ कर सकते हैं, उसको दोबारा लगाएंगे काम करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं इनलेट वॉल की, जो सॉरी इनलेट वॉल नहीं ड्रेन मोटर। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से ये फीता जो है अपनी तरफ खींचता है, तभी पानी आउट होता है, उसके बाद इसका जो ड्रम है वो ऑन होता है। तो फीता तो यहाँ तक जो है मैंने आपको जो है पीसीबी बता दिया, बाकी इनलेट वॉल की चेकिंग प्लस आपको इसकी चेकिंग और डोर स्विच की चेकिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रेन मोटर की, ड्रेन मोटर आप कैसे चेक कर सकते हैं डायरेक्ट 220 वोल्ट पे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है जो ड्रेन मोटर होती है, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं आप, इस कनेक्टर को निकालना है आपको, इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर 200 जो एसी वोल्ट आएंगे यहाँ पर, तो एसी वोल्ट पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोनों नोब इस साइड लगा देना है, और उसके बाद जो है हम स्पिन को ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल पहले मैं मीटर सेट कर लूँ, उसके बाद जैसे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो इसको क्या है, किधर सेट करें, यहाँ पर सेट करते हैं। अभी यहाँ पे हाफ वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि हमने अभी स्पिन ऑन नहीं की। तो आप देख रहे हैं हाफ वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है, तो हमने इस जैक पर लगाया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाफ वोल्टेज लगभग शो हो रहे हैं, उसके बाद मैं स्पिन ऑन करके उसके बाद यहाँ पे क्या है 220 एसी वोल्ट आना चाहिए। तो मैं स्पिन ऑन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि स्पिन आप ऑन कैसे करें। तो यहाँ पे क्या है, पहले इसको पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन कर दिया, उसके बाद स्पिन ऑन करते हैं। तो यहाँ पर स्पिन ऑन हो गई और इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट मैंने कर दिया, उसके बाद आपको दिखाना है कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वोल्टेज,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एसी बोल्ट आना स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने स्पिन ऑन कर दिए। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपकी वायरिंग क्लियर हो जाएगी, आपकी जो पीसीबी है पीसीबी क्लियर हो जाएगी, पीसीबी सप्लाई ऑन कर रही है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये ऑन होगी, मैं ऑफ कर दूँ पहले इसको। तो यहाँ तक वोल्टेज क्लियर हो गया, तो आप इस तरीके से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। बाकी इसका जो है पीसीबी सप्लाई ऑन कर रही है। और ड्रेन मोटर आप कैसे चेक करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, मैंने आपके पास जो है ड्रेन मोटर ले लेना है। ड्रेन मोटर जो आप देख रहे हैं ये मतलब 240 से 220 से 240 एसी बोर्ड पे काम करती है, जैसे कि इसमें सैमसंग है, ये भी सैमसंग की। इसे मैं इसको डायरेक्ट चेक करके आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या, हमने इसको जो है वोल्टेज मतलब यहाँ पे देना है, हमें डायोड चेक करना है, तो मैं डायोड चेक करके दिखाता हूँ। तो इसको क्या है, मैंने इसको लगा दिया, उसके बाद 220 वोल्ट यहाँ से ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो फीता है, इसका ड्रेन फीता अंदर जाना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। दोबारा मैं फिर आपको इसको बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ। फीते को मैंने जो है बाहर ले लिया, उसके बाद स्विच ऑन करते हैं और आप देखेंगे दोबारा। तो इस तरीके से ये ड्रेन मोटर एसी जो वोल्ट पे रन करती है, इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ड्रेन मोटर चेक करना है तो इस तरीके से करना है। बाकी जो अगर आपकी मोटर काम नहीं करती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मोटर लगी होती है एक, ये मोटर जो होती है आप देख रहे हैं जो स्पिन वॉश करती है मोटर, स्पिन वॉश जो मोटर करती है, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कनेक्टर लगा होता है, जो कनेक्टर आप इस तरीके का होता है देख रहे हैं, तो उस मोटर को आप 200 मतलब कॉमन देखे, उसके बाद जो रनिंग स्टार्टिंग है उस पर चेक कर सकते हैं डायरेक्ट मोटर को, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं कि अगर यू बी इसका एरर कोड्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो ड्रम होता है ड्रम अनबैलेंस होता है, ये जो ड्रम होता है ड्रम जो होता है अनबैलेंस होता है। तो आप लेवल देख लें उसका, जहाँ पे आपने मशीन रखी वहाँ पे देख लें। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसकी लैगें होती हैं, अगर ये लैग टूट जाती है, स्प्रिंग वगैरह टूट जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका स्प्रिंग जो होता है काम अच्छे से नहीं करता है, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो इसके स्प्रिंग अगर बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं या ग्रीसिंग ख़त्म हो जाती है, तब वो काम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉकर का काम करते हैं, तो इसको आप देख लें, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, तो इन चारों लेगों को देख लें, अगर ये कमज़ोर हो जाती है टूट जाती है तब ये दिक्कत आती है। उसके बाद मैं आपको गेयरबॉक्स जो होता है उसकी वर्किंग बताता हूँ। तो इसमें जो गेयरबॉक्स होता है, जब आपकी बॉस चलती है तो इसका जो पल्सीटर है इस तरीके से चलता है, पल्सीटर घूमता है, और जब इसका गेयरबॉक्स चलता है, जैसे कि यहाँ से क्या होता है, ड्रेन जो होता है अपना जो फीता होता है अपनी तरफ मतलब खींचता है, उसके बाद सारा पानी होता है वो आउट हो जाता है। तो पानी जब आउट हो जाता है यहाँ से, अगर पानी नहीं निकलता है तो आपको ड्रेन मोटर चेक करना है। अगर पानी आउट नहीं हो रहा है ड्रेन मोटर, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो आप इसको खोल के उसके बाद जो गंदगी है वो निकाल के उसके बाद इसको जो है दोबारा लगाएंगे, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं गेयरबॉक्स की जो होती है गरारी, इस तरीके से काम करती है। ये जो गरारी फंसी होती है इसमें, मैं इसको ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है इसको ओपन करके फिर अच्छे से आपको क्लियर नज़र आ जाएगा और आप भी समझ जाएंगे। तो ये जो गेयरबॉक्स होता है इसकी जो होती है ऐसे गरारी हट जाती है, उसके बाद जो है इसमें काम करता है। मैं आपको गरारी पास से दिखाता हूँ जिससे आपको नज़र आ जाए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है इस तरीके से काम करता है, ये हट जाता है गेयरबॉक्स का, आप देख रहे हैं, उसके बाद इसका जो ड्रम है पूरा घूमने लगता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आपकी मोटर जो होती है, मोटर की पुली में दिक्कत होती है, तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिले आ जाती है, या फिर आपकी बेल्ट लूज़ होती है तब भी वहाँ पर लोड नहीं ले पाता, या फिर गेयरबॉक्स की जो है यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाता है तो आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पानी जो आता है तो इसके अंदर की गरारी कट जाती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये गरारी होती है, इसके अंदर भी और भी गरारी होती है, स्प्रिंग टाइप भी होता है इसके अंदर। अगर वो जो होता है स्प्रिंग आपका लूज़ हो जाता है तब भी वहाँ पे जो है लोड नहीं ले पाता, या फिर आपका कैपेसिटर वीक हो जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पर कैपेसिटर है तो आपका वहाँ पे गया अच्छे से ये काम नहीं कर पाती है, तो आप कैपेसिटर चेंज कर दें, या फिर स्पीड कम है तो कैपेसिटर चेंज कर दें, या फिर आपका इसमें मोटर में पानी चला जाता है तो स्लो चलती है मोटर, या फिर इसकी बाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, तो वो भी आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं। जी ये जो मोटर है जो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चेक करते हैं, सेम वैसे ही आप कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, दो स्क्रू आपको ओपन करना है, उसके बाद ये सारी मशीन जो है बाहर आ जाएगी, और अगर बेल्ट लूज है तो आप उसको चेंज कर दें, तब भी लोड नहीं लेती। अगर बेल्ट स्लिप हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है स्लिप हो जाती है, गेयरबॉक्स स्लिप हो जाता है, या फिर पुली स्लिप हो जाती है बेल्ट जब लूज होती है तब, तो आप इसको भी देख लें ध्यान से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, बाकी जो बेल्ट है बेल्ट को भी देख लें, जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, बाकी जो आपने जैसे फिटिंग करी है वैसे आप इसको मतलब जैसे ओपन किया वैसे आप अच्छे से फिटिंग कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्त अगर एक आदमी पर्सनल हो आपका तो आप उसको शेयर कर दो।
तो फ्रेंड्स चैनल पर न्यूज़ 8 के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।